तो ये देखिए दोस्तों, पुल से कैसा सट रहा है पानी। सट ही गया है पुल से कई जगहों पे, जैसे सेंटर पे देखिए पूरा सटा हुआ है। और उस पार देखिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज का मौसम भी वैसा ही है कल जैसा। चलिए एक बार आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, पूरा उजाला लग रहा है बट बारिश हो रही है। क्या पता दोस्तों ये बारिश कब रुकेगी। वैसे तो 17 तारीख तक न्यूज में दे रहा था 17 तारीख तक बारिश होगी वगैरह वगैरह। तो चलिए, अपना तो काम यही है, घर में अगर रहना है तो फिर पेंटिंग वगैरह ही बनाना है। बाहर अगर जाते तो फिर वही अपना मॉन्टफोर्ट स्कूल वाला काम बचा हुआ है और चर्च वाला, तो वहां जाके हम लोग कंप्लीट करेंगे काम। तो देखते हैं क्या होता है वहां पर। तो चलिए फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा। वैसे मैंने मैगी बनाया है, मैं खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया और सुबह के 11 बज रहे। तो चलिए दोस्तों, वैसे मौसम अभी थोड़ा साफ हो गया है, मैं बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं से घूम के आएंगे, उसके बाद अपना पेंटिंग स्केच स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं। वैसे सतीश भैया से भी मिलना था, उनसे मुझे बहुत पैसे लेने हैं बट वो फोन ही रिसीव नहीं करता है, घर ही जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, घर ही जाकर देखते हैं। वैसे बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, फिर भी अब एक बार निकल चुका हूँ तो घूम के ही आते हैं। तो दोस्तों मैं आया हूँ सतीश के घर और देखते हैं अब होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुझे उससे मिलना। तो चलिए मिल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ओके, तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ घर। उधर ही बारिश में फंस गया था दोस्तों, बारिश हो रही थी और मैं भीग भी गया। अब देखते हैं अपना नया पेंटिंग स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो लाइट तो दोस्तों नहीं है, क्या करें। वैसे मैं खाना खा लेता हूँ पहले, अभी बहुत भूख भी लग रही है और तब तक लाइट भी आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे यहाँ का जो पुल है, कोयल नदी वाला जो पुल है, वो भरने वाला है। अब वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं, अगर लाइट नहीं आएगी तो चले जाएंगे, देख के आएंगे कोयल नदी, क्योंकि पानी पुल से पार हो जाता है दोस्तों। तो देखेंगे, अगर लाइट नहीं आएगी तो वहीं चले जाएंगे, देख के आएंगे, उस तब तक तो आ ही जाएगी लाइट। से गाइज अभी 2 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि अभी स्टार्ट करूंगा बट लाइट ही नहीं है। काफ़ी देर हो गया दोस्तों, मैंने खाना भी खा लिया, उसके बाद बहुत देर तक मैं बैठा रहा, उसके बाद भी लाइट नहीं आई। और मुझे एक वीडियो शूट करना था, जो मैंने गणपति का पेंटिंग बनाया है उसके लिए। तो चलिए पहले क्या होता है उसको देखते हैं, लाइट रहेगी तभी होगा। तो पहले चलिए सीधे कोयल नदी देख के आते हैं, क्योंकि साल में 1-2 बार ही ऐसा दिखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं। और वैसे अभी बारिश भी नहीं हो रही है तो जाके आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों नजारा कैसा लग रहा है अभी। ये पुल में हम लोग चल रहे हैं और पानी देखिए कितना ऊपर में है, और गाड़ियां पार हो ही रही है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ कोयल नदी, और आप देख लीजिए, मैंने वैसे दिखा भी दिया आपको पुल से पार होते होते, फिर भी आपको मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। और तो ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको कोयल नदी का नज़ारा। पुल में सट ही गया है बट पार नहीं हुआ है ऊपर से। तो यहाँ पे देखने के लिए काफी गाड़ियां लगी हुई हैं, नदी के उस पार भी लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिजली का खंभा भी हिलने लगा है, और नीचे साइड देखिए कैसा लग रहा है नजारा।
लग रहा है समंदर ही है। तो ये देखिए दोस्तों, पुल से कैसा सट रहा है पानी। सट ही गया है पुल से कई जगहों पे, जैसे सेंटर पे देखिए पूरा सटा हुआ है। और हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि पानी और भरते ही जा रहा है, कहीं हम लोग इधर ना फंस जाए। हम लोग आए हैं कोनबीर साइड में, बसिया साइड में लोग कम हैं, इस साइड में बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से पानी जब क्रॉस होता है दोस्तों, बहुत मजा आता है देखने में, बट अभी नहीं होगा। तो देखिए कैसा भरा हुआ है पानी। तो फाइनली दोस्तों मैं लौट गया हूँ नदी से और आया हूँ साक्षी के पास। तो साक्षी के पास भी बहुत दिन से नहीं आया था, तो चलिए साक्षी के से मिलते हैं। तो हाय करो, हेलो हेलो गाइस बोलो। तो देखिए साक्षी कैसा दिख रही है, स्वेटर पहनी मुझे देखती है, मुंह को बना के दिखा दो इधर। अच्छा टीथ दिखा दो, टीथ टीथ थोड़ी है वो, टंग है। ऐसा करो करो, टीथ दिखा। टंग दिखाती है लड़की। और ये देखिए दोस्तों, ये पेट्रोल पंप आज तक चालू नहीं हुआ है। हम दोनों वही पेट्रोल पंप में आए हैं जो साक्षी के घर के बगल में है, और ये पेट्रोल पंप शांत है अभी तक, मतलब ये पेट्रोल पंप सन्नाटा है। कहने का मतलब इसका काम पूरा हो गया है फिर भी ये चालू नहीं हुआ है अभी तक। और ये रहा उसका ऑफिस। तो दोस्तों लाइट नहीं थी, इसी वजह से मैं ड्राइंग भी नहीं कर पाया। बहुत टाइम हो गया था मुझे घर से निकले हुए, और फिर मैं घर गया भी नहीं, इसीलिए साक्षी के पास आ गया था। साक्षी मुंह को बना दो तो एक बार। हाँ देखिए कैसा मुंह बनाती है, और टीथ भी दिखा दो। टीथ दिखाने बोलने से ये टंग दिखा, टीथ दिखाओ। टाटा बोल रही है। हाँ टाटा बोलना है थोड़ा देर में ना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रात को स्केच करूँगा, वैसे मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा, आप लोगों को दिखा दूँगा। वैसे दोस्तों कल मैं आप लोगों को पेंटिंग भी दिखा दूँगा। वैसे तो मेरे पास ऑयल कलर जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, वाइट कलर जो है वो मेरे पास नहीं है। तो देखते हैं कल कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, तो जो अच्छा लगेगा वही यूज़ करेंगे। तो कल आपके लिए एक नया पेंटिंग स्टार्ट करूँगा मैं। दोनों यहाँ से जाएंगे और हम लोगों ने काफ़ी घूम लिया। तो साक्षी बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों सीधे मैं आपसे घर पर मिलूँगा, और देखते हैं फिर से मुझे देवीगुड़ी चौक तो आना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया अपने रूम, और आज बहुत दिनों के बाद मैंने कोयल नदी को इतना भरते हुए देखा है, मतलब 2-3 साल हो गए। पहले पूरा भरा हुआ था, पुल से पार हो रहा था पानी, तो इस बार उतना तो नहीं भरा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा देख के, जितना भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और आज मैं सोचा था कि स्केच वगैरह स्टार्ट करूँगा सोच रहा था, बट मैं कुछ नहीं कर पाया दोस्त, और क्योंकि लाइट भी नहीं थी दिन में, अभी रात शाम को आई है लाइट। तो इसी वजह से दोस्तों कोयल नदी में बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग का बीत गया, 2-3 घंटा से ज़्यादा उधर रह गए हम लोग, तो इसी वजह से और कुछ कर नहीं पाए। उधर से जैसे ही लौटा और सीधे साक्षी लोग के घर के पास। तो चलिए दोस्तों, वैसे स्टार्ट तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा मेरा पेंटिंग नया जो स्टार्ट करूंगा। वैसे मेरे पास वाइट कलर जो ऑयल पेंट है, वाइट कलर ख़त्म हो गया है, तो वाइट कलर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हर पेंटिंग में, चाहे कुछ भी पेंटिंग बनाना हो, तो एक्रिलिक हो या
इनामेल हो या फिर ऑयल हो, मतलब वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज, इस ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पर एंड, और कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।